जो रिश्वत ली गई है पंजाब में और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं, जरा उनसे पूछें कि आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है, और उसके बाद उनको जनरल आसिम को DGISI से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। अब जनरल आसिम तो आपके बैचमेट होंगे या आपके बिल्कुल करीबी होंगे, तो आप ज़रा उनसे पूछें ये बात ठीक है या नहीं। और वो जो तोशेखाने की घड़ियाँ आई हैं जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, या उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते? इतने जो ईमानदार हैं तो अपनी बातें क्यों नहीं बताते? ये जो पैसे यहाँ से गए हैं सारे के सारे जो बुजदार ने कलेक्ट किए हैं तो किसके पास गए हैं? हु वाज़ फरा, क्या रोल था फरा का? सो ये बाहर से बैठ के बहुत रोजी पिक्चर नज़र आती है, मेरे से ज़्यादा टाइम किसी ने नहीं गुजारा। आई नो एग्जैक्टली वट वॉज गोइंग ऑन, सो आई जस्ट थाट कि ये जो फैंटेसिज्म है ये हमने भी बहुत देखा था और हमने भी बहुत करने की कोशिश की, बट रियलिटी वॉज डिफरेंट। वट वी सी इन इमरान खान इज़ डिफरेंट, वट ही एक्चुअली इज़ इंटायरली डिफरेंट। और ये जो उसने लिबादा उड़ा हुआ है और जो उसने अपने ऊपर कैमोफ्लाज किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्हाक है, वो सारी कौम के सामने उसको लेके आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो नवाज शरीफ है वो बहुत बड़ा एंजल है और ये शहबाज शरीफ है या वो है, मैंने अपना हिसाब बराबर करना है जो उसने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, और मैं उसका हिसाब बराबर करके छोड़ूंगा। रेस्ट आई डोंट इवन केयर। जो रिश्वत ली गई है पंजाब में और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछें कि आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है, और उसके बाद उनको जनरल आसिम को DGISI से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। अब जनरल आसिम तो आपके बैचमेट होंगे या आपके बिल्कुल करीबी होंगे, तो आप ज़रा उनसे पूछें ये बात ठीक है या नहीं। और वो जो तोशेखाने की घड़ियाँ आई हैं जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, या उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते? इतने जो ईमानदार हैं तो अपनी बातें क्यों नहीं बताते? ये जो पैसे यहाँ से गए हैं सारे के सारे जो बुजदार ने कलेक्ट किए हैं वो किसके पास गए हैं? हु वाज़ फरा, क्या रोल था फरा का? सो ये बाहर से बैठ के बहुत रोजी पिक्चर नज़र आती है, मेरे से ज़्यादा टाइम किसी ने नहीं गुजारा। आई नो एग्जैक्टली वट वॉज गोइंग ऑन, सो आई जस्ट थाट कि ये जो फैंटेसिज्म है ये हमने भी बहुत देखा था और हमने भी बहुत करने की कोशिश की, बट रियलिटी वॉज डिफरेंट। वट वी सी इन इमरान खान इज़ डिफरेंट, वट ही एक्चुअली इज़ इंटायरली डिफरेंट। और ये जो उसने लिबादा उड़ा हुआ है और जो उसने अपने ऊपर कैमोफ्लाज किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्हाक है, वो सारी कौम के सामने उसको लेके आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो नवाज शरीफ है वो बहुत बड़ा एंजल है और ये शहबाज शरीफ है या वो है, मैंने अपना हिसाब बराबर करना है जो उसने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, और मैं उसका हिसाब बराबर करके छोड़ूंगा। रेस्ट आई डोंट इवन केयर।